सिंध जे अज़ीम पुट शहीद हेमू कालाणी खे संदसि शहादत जे ॾींहं ते सिंध सुजागी फोरम पारां कराची प्रेस क्लब आॾो ॾीआ ॿारे ऐं गुल निछावर करे भेटा ॾिनी हुई। उन मौके ते अवामी आवाज़ सां ॻाल्हाईंदे सियासी समाजी कारकुननि ऐं सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि चयो त शहीद हेमू कालाणी अंग्रेज साम्राज ख़िलाफ़ जेका जदोजहद कई सा सदियुनि ताईं यादि रखंदी। धरती जी आज़ादी ख़ातिर हेमू कालाणी पंहिंजी ज़िंदगी जो नज़रानो ॾिनो। ही सिंध जो भगत सिंह आहे। सिंध जो ही अज़ीम सुरमो, सिंध जो अज़ीम पुट, जंहिं पंहिंजे वतन जी आज़ादी लाइ अंग्रेज़ साम्राज सां जेको मुहादो अटकायो, संदसि इहा क़ुर्बानी सिंध जी तारीख़ में सुनहरी अखनि सां लिखी वई आहे ऐं लिखी वेंदी। हिंदुस्तान जे अंदरि भगत सिंह वारनि जी जेकी क़ुर्बानी आहे, असां सम्झूं था त जीअं भगत सिंह हिंदुस्तान जो क़ौमी सुरमो आहे, अहिड़ी रीति हेमू कालाणी सिंध जो क़ौमी सुरमो आहे। अज़ीम शहादत ऐं बिल्कुलु यकीन जेको धरती लाइ विढ़े थो, पंहिंजी धरती बका जी जंग विढ़े थो, उहो अज़ीम इंसान थो थिए। ऐं ज़ाहिर आहे त हुन जेको आहे सिंध जो ॾाढो ऊचो कयो आहे। शहीद हेमू कालाणी जंहिं पंहिंजे वतन धरती जी आज़ादी जे लाइ जिदोहद में पंहिंजो सिर ॾिनो ऐं हुन अमर शहीद पंहिंजूं सभु शयूं पंहिंजी धरती तां क़ुर्बान कयूं, अहिड़ा अमर किरदार धरती में सदियुनि में पैदा थींदा आहिनि। ऐं शहीद पंहिंजे 19 सालनि जी उमिरि में सॼी दुनिया खे इहो पैगाम ॾिनो त वतन जे लाइ, वतन ऐं धरती जे लाइ सिर ॾेई सघिजे थो, झुकाए नथो सघे। हेमू कालाणी उहो सिंध जो जोधो जंहिं पंहिंजे 19 सालनि जी उमिरि में शहादत माणी ऐं हुनजी दिलेरी, हुनजी बहादुरी, हुनजो इल्मु, हुनजी ॾाहप, ईअं सम्झो था त उन वक़्तु अंग्रेज़ साम्राज्य जेको हुन बरे सगीर ते क़ाबिज़ हो, हुनजे मार्शल लॉ खे हुनजो चैलेंज हुयो ऐं हुनखे जॾहिं फांसी जी सज़ा ॾिनऊं त हुनजे वालद हुनजे पीउ जेको आहे हुन लाइ दरख़्वास्त ॾिनी, पर शर्त इहो रखियऊं त हू पंहिंजे साथियुनि ऐं पंहिंजे जेको आहिनि उन्हनि जा नाला ॿुधाए, पर हुन उहे न मञा ऐं अमर शहीद थी वियो ऐं सूलीअ ते चढ़ी वियो। सिंध जे हिन 19 सालनि जे जोधे पंहिंजी मज़ामत ज़रिए हुन वक़्त जे अंग्रेज़ साम्राज खे ललकारियो। हुन शहादत क़बूल कई पर पंहिंजे साथियुनि जा नाला ॿुधाइण खां इनकार कयो। संदस अज़ीम जदोजहद ऐं शहादत खे सिंध सदियुनि ताईं यादि रखंदी। विज़िट करियो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.com।